उसी पे वो वाली जगह, मतलब कि वो वाला जियोमेट्रिक लेवल के ऊपर है पूरा शिवलिंग, बस आपको अच्छा फील होता है। पहले गांव में मंदिर बनाते थे, लेकिन मंदिर गांव से बाहर शिवलिंग को बाहर स्थापित करते थे, क्योंकि वो नोडल पॉइंट में स्थापित करते थे और सांप वहां होते थे। हमारे क्लास में बंदा रहता जो मंदिर का पुजारी था, वो बोलता है मैं तो देखता हूँ वहां पर कि बस सांप ही लिपटे होते, सांप लिपटे होते हैं, और कहते हैं कि रात को शिवलिंग जहाँ पे है उस मंदिर में रहने की इजाजत नहीं होती थी इसे, क्योंकि वो जियोपैथिक वो जिस लेवल पे था फिर उसके हिसाब से। तो आजकल हम लोग अब हम इसको हम सारी चीजें ये साइंस से रिलेटेड है, तभी तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये यंग वाले इनको पता लगेगा, यंग जनरेशन को, कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जो जियोपैथिक का मेन क्या होता है, ये आज से पहले भी था, अभी इसको एक नेम मिल गया, जियोपैथिक स्ट्रेस जो नेम मिल गया, जो पहले ये नेम नहीं दिया हुआ था। पहले क्या था कि लोग जैसे है बहुत ज्यादा एम्पल ऑफ लैंड है, तो लोग क्या करते थे कि गाय और बछड़े को छोड़ देते थे, जहां पर वो गाय बैठती थी उनको लगता था वहां पर पॉजिटिविटी है, बहुत सेंसिटिव वहां पर नहीं बैठेगी गाय, नहीं बैठती, तो उनको लगता था ये एरिया जो है पॉजिटिव है। आज भी आप ये बात चेक कर सकते हैं, पर अब ऐसा हो नहीं पाता। और इसके बाद जैसे जर्मनी में है वहाँ बिल्लियों को देखते हैं कि बिल्ली जहाँ पर बैठी है तो वो नेगेटिव है, वहाँ पे वो एरिया नेगेटिव है, वहाँ से नेगेटिव रेडिएशन आती है, बिल्ली जियोपैथिक स्ट्रेस पे बैठती है, इसलिए वो कहती जहाँ बिल्ली बैठी वहाँ घर नहीं बना। हम हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जहाँ गाय बैठी वहाँ घर बना, काम एक ही कर रहे थे, लेकिन तो शौक से बिल्लियां पालते हैं लोग, बिल्लियां उन्हीं के घर में टिकती हैं, जहां जियोपैथिक स्ट्रेस है माइनस आईआर है, उन्हीं के घर में बिल्लियां कंफर्टेबल भी रहती हैं। घर के बाहर बिल्ली बच्चे देती है सालों से, हां नेगेटिव।